जय श्री राम मित्रों, मैं आनंद राजा दीक्षा आप सबका मित्र अपने YouTube चैनल आनंद आख्यान में आप सबका स्वागत करता हूं। चैनल पर आप अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए वीडियो पर चलते हैं। वीडियो की शुरुआत में थंबनेल में आपने देखा होगा अपने परम पूजनीय मतलब पप्पू जो कहते हैं तो पप्पू श्री श्री 1008 राहुल गांधी जी, ठीक, उनका फोटो है और उसके साथ साथ दो और महानुभावों का फोटो है। एक का नाम है शर्जील इमाम और दूसरे का नाम है उमर खालिद। अब ये दोनों जो है फिलहाल बंदी है, क्यों है? उन पर ऐसे आरोप है कि वो देश तोड़ना चाहते थे। एक नारा दिया था उन्होंने, यार मालूम है आपको, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब वे भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि टुकड़े हो जाएंगे तो फिर भारत पे हुकूमत करना आसान हो जाएगा, तोड़ेंगे यहाँ वहाँ से तो हुकूमत करना आसान हो जाएगा। मतलब उनकी संगठनाएँ जो है जगह जगह जो भारत में रहते हुए मिनी पाकिस्तानों में बस्ती है वो सब उछल के आगे आ जाएंगे और भारत पर कब्जा कर लेंगे, ठीक है। तो ये उनका सा एक छोटा सा सपना था, वो मोदी जी ने तोड़ दिया। नारद बुरे आदमी है ना मोदी जी, ईमान वालों के ऐसे सपने तोड़ते हैं वो, क्या करें। चलिए, तो उनका सपना उन्होंने तोड़ दिया। अब देश को समझते, देश क्या होता है? देश केवल एक ज़मीन का टुकड़ा नहीं है जिसको लोग समझते बस ज़मीन है और उसका जो कहते खसरा या महाराष्ट्र में कहते सात बारह वो अपने पास होना चाहिए। वैसे महाराष्ट्र में एक नेता है, बड़े नेता है, वक्रतुंड महाकाय नेता है, तो या महाकाय वक्रतुंड नेता है, वो समझते हैं कि देश बस ज़मीन होती है और उसका सात बारह उनके पास होना चाहिए, खसरा उनके पास होना चाहिए, ऐसा उनके बारे में कहा जाता है। तो खैर उनकी छोड़िए बात, बात यह है यहाँ पे कि ये लोग चाहते थे। अब समाज जो है वो अगर टूट जाता है तो फिर देश भी टूट जाएगा, कितना देर लगता है। अब समाज में जो लोग ठीक ठाक रहते हैं उनको आप कहें कि भाई इसका उसके पास जो है ना वो मैं तुम्हें बांट दूंगा, चालू हो जाता है। आज ये सोच नहीं रही कि जो मैंने नहीं कमाया वो मेरा नहीं है। आज कांग्रेस के बदौलत और वामपंथियों के बदौलत ये सोच काफ़ी प्रतिष्ठित हो गई है कि आदमी ने जो कमाया अपने मेहनत से कमाया उसमें से कमाते कमाते सबका जो योगदान है उसको चुका कर कमाया, फिर भी अगर उसके पास बहुत पैसे हैं तो लोग सोचते हैं कि उस पैसे को उसको समाज पर खर्च करना चाहिए। कर चुका है वो ऑलरेडी, फिर भी लोग कहते हैं कि उसको खर्च करना चाहिए, मतलब उसके पैसे पर उसका हक नहीं समाज का हक है, ऐसा लोग सोचते हैं। जब वो दरिद्री था तो समाज उसको देने को कुछ देने को नहीं आया था, और अगर वो दोबारा दरिद्री हो जाएगा तो भी समाज उसको पूछेगा नहीं, लेकिन जो उसने कमाया है उस पर समाज अपना हक समझता है, क्या ही कहें। खैर जो है सो है। तो बात यह है कि राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं कि हम सबका संपत्ति का सर्वे करें, चुनाव के बीच उनके भाषण आपने सुने होंगे, और ओबीसी कहते थे, मतलब क्या है ये जनगणना कराएंगे, फिर क्यों जनगणना कराएंगे, जनगणना कराने में काफ़ी कुछ खर्चा आता है तो ये क्यों कराएंगे, ताकि जनगणना में फिर वो संपत्ति का वो पुनर्वितरण का जो बात कर रहे हैं वो करेंगे, मतलब एक का पैसा एक का लूट के एक की कमाई लूट के दूसरे को देंगे, उससे क्या होगा, समाज टूट जाएगा, समाज टूट जाएगा तो देश टूट जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। आपको मालूम है वेनेजुएला का नाम तो आपने सुना होगा, दिवालिया हो चुका है वो देश, अच्छे अच्छे घरों की महिलाओं को वहाँ पेट भरने के लिए वेश्या व्यवसाय करना पड़ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, अच्छे कमाते हुए घर की महिलाएं आज वहाँ वेश्या व्यवसाय करने को मजबूर है क्योंकि देश टूट गया, दिवालिया हो। राहुल गांधी भारत को दिवालिया करना चाहते हैं क्योंकि समाज ऐसे दिवालिया ही होता है और राहुल गांधी वही चाहते हैं, ठीक है। तो उससे किसका फायदा होगा, उनका एमओयू किसके साथ है? वो देश तो वही चाहता है कि भारत जो है वो ताकतवर ना बने, संपन्न ना बने, वो चाहता है भारत दरिद्री बने ताकि वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ बलवा होता रहे, वो तो वही चाहता है। उनके अंकल सैम जिस देश में रहते हैं वो भी देश वही चाहता है, तो बस पैसा वहीं से आता है, फंडिंग वहीं से आती है।
शी और सोरस, ठीक, और अंकल सैम। तो आपको क्या करना है सोचिए। मैं वैसे बता दूं, मैं भाजपा का कोई भक्त वगैरह हूं नहीं, मोदी का तो, मोदी 5 साल में मोदी जी जाएंगे, उसके बाद भाजपा का भी मैं भक्त नहीं हूं। लेकिन 10 साल हमें मिले थे, हमने क्या किया? भाजपा का विकल्प खड़ा किया, क्यों नहीं किया? तो इसका मजबूरी हमारी ये रहेगी कि कम से कम भाजपा को हम सत्ता में इसलिए रखें क्योंकि वो हिंदू की दुश्मन पार्टी नहीं है, बाकी पार्टियां एकदम घोषित दुश्मन है। ठीक, जैसे औरंगजेब के सेना में कई सारे हिंदू थे, आदिल शाह के सेना में कई सारे हिंदू थे, लेकिन मंदिर तोड़ते वक्त, मूर्तियां तोड़ते वक्त सभी भारत बादशाह की निष्ठा के कारण सभी बैठे रहे। ठीक है, तो ऐसे ही जो कांग्रेस में हिंदू है, यूं समझिए कि उन लोगों के वंशज है, बाकी कुछ नहीं है। तो आप अपनी सोच, भारत को अगर अखंड रखना है तो भारत को कांग्रेस मुक्त रखना है। ठीक, और कांग्रेस के जो सहयोगी है वो सब क्या है? कांग्रेसी ही है, कभी कांग्रेसी थे, और जो कांग्रेसी नहीं थे वो कांग्रेस के साथ जुड़े हैं, तो बस उनके जैसे ही है। तो भारत को फिलहाल, जब तक हम लोग आगे चलकर भाजपा का विकल्प नहीं बनाएंगे, तब तक भाजपा को अपनी मजबूरी ही समझ लो, एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ही है, दूसरा कुछ नहीं है, भक्ति वगैरह कुछ नहीं। मैं तो कहता हूँ कि भाजपा का विकल्प बनना चाहिए, डेमोक्रेसी में विकल्प होना चाहिए, लेकिन कम से कम विकल्प वो हो जो डेमोक्रेसी की नहीं, देश की सोचे। ये इनमें से कोई भी देश की नहीं सोच रहा है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। ठीक, बस इतना ही कहना है। और शर्जिल इमाम और उमर खालिद को भारत को टेक ओवर क्यों करना, भारत के टुकड़े क्यों करने थे? क्योंकि उनको वहाँ अपने धर्म, अपने दीन का परचम लहराना था। राहुल गांधी को वोट किसने दिया है? इन्हीं लोगों ने दिया है। ठीक है, क्यों दिया है? उनको फैसिलिटीज़ कौन देता था और वो किससे फैसिलिटीज़ लेते थे? तो नॉर्मली आदमी जिसको फैसिलिटीज़ मिलती है वो सोचता है कि भाई जो फैसिलिटीज़ देता है उस आदमी की सत्ता बनी रहे, ताकि वो और फैसिलिटीज़ देता रहे। लेकिन इन्होंने उसके बावजूद राहुल गांधी को वोट दिया। तो बस 2 और 2, दो चार होते हैं। उनको इस्लाम की सत्ता लानी थी, इनको इस्लाम की सत्ता लानी है, इसलिए उन्होंने राहुल गांधी को वोट दिया। सीधी बात, क्या आप यही चाहते हैं? बात याद रखिए, कश्मीर में हिंदुओं के साथ क्या हो, बात याद रखिए बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, और ये बात याद रखिए कि आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। बंगाल में जैसे ममता ने देखा, मतलब ममता नहीं, ममता के जो सपोर्टर्स हैं, जो बांग्लादेशी वगैरह वहाँ के मुसलमान हैं, उन्होंने जैसे देखा कि भाजपा के नारे तले हिंदू एकत्रित हो रहा है, तो उन्होंने ना केवल हिंसा की, क्योंकि बंगाल में हिंसा हमेशा होती रही, हिंसा के साथ उन्होंने क्रूरता की। ऐसी क्रूरता पहले नहीं होती थी, तो ये क्रूरता की आप नहीं झेल पाएंगे। ठीक है, ये जो मेरे शेरों कहने वाले होते हैं ना, कोई शेर कहीं से गए बंगाल नहीं गया, बंगाल में रॉयल टाइगर ऑफ बंगाल कहते हैं, बंगाल में तो शेर कम हो गए, लेकिन कहीं से, मतलब यूपी से वगैरह, गाजियाबाद डासना वगैरह, कहीं से भी कोई शेर नहीं गया। तो ये आप ध्यान रखिए, कोई शेर कहीं से जाने वाला नहीं है। तो इसलिए आपके पास अगर वोट बॉक्स है तो आप उसको ढंग से उपयोग करिए। बस इतना ही कहना है, और क्या कहना है। बाकी मिलते रहेंगे, आते रहिएगा चैनल पर। अभी मैं रेगुलर करने की सोच रहा हूँ, करूँगा, कई सारे विषय में बना के रखे। ठीक है, जय श्री राम। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किया ना, वीडियो को भी अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए, भारत माता की जय।